हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये ब्यूटीफुल एंड सिंपल सा लुक जो है वो क्रिएट किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये लुक बहुत ज़्यादा सिंपल है क्रिएट करना। सो अगर आपको जानना है देन इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लिवर आयुष का एलोवेरा जेल, क्योंकि मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं थोड़ा सा अपने हाथों में लेके अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी इससे। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बजट में भी है। सो प्राइमर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके फेस में जो पोर्स है उसको बंद करता है और आपके जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नाउ नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी माई फेवरेट फाउंडेशन, मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द सेड नेचुरल बीच 220। सो थोड़ा सा मैं अपने हाथों में ऐसे ले लूँगी एंड अपने पूरे फेस पे जो है अच्छे तरह से उसे मैं अप्लाई कर लूंगी। देन एक स्पंज के मदद से डैप करते हुए मैं उसे अच्छे से अपने स्किन पे जो है ब्लेंड कर लूंगी। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे डैप करना है ना कि आपको ड्रैग करना है, उससे आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फिटमी का ही कंसीलर, एक है शेड सैंड, दूसरा है कैरमल। क्योंकि मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है इसीलिए मैंने इनर आई कॉर्नर पे पहले जो है डार्क शेड और उसके बाद मैंने लाइट वाला शेड जो है उसे अप्लाई किया है। ऊपर जहाँ पे आई शेडो लगाते हैं वहाँ पे भी आपको लगा लेना है ताकि आपका आई शेडो का बेस जो है वो अच्छे से बन जाए। नाउ मैं एक स्पंज के मदद से जो है इसे अच्छे तरह से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ बेस मेकअप को सेट करने के लिए आई एम यूजिंग लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट पाउडर। ना ये जो आप स्पंज देख रहे हो ये मैंने रिसेंटली ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से। ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ स्पंज है, तो इसे आप मेकअप रिमूवर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसे आप फाउंडेशन या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर एप्लीकेटर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके मदद से मैं ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसे अपने फेस पे अच्छे तरह से सेट कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप जो है बेस्ट मेकअप वो अच्छे से सेट हो जाए। एंड मैं अपने आई शेडो पैलेट से जो ब्लैक वाला शेड है उसे चूज़ कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे लिया है मेरा आईब्रो ब्रश, उस पर मैंने थोड़ा सा आई शेडो लगा लिया है एंड ऐसे मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने आईब्रोज पे। ये बहुत ही एक अच्छा नेचुरल लुक देता है। सो मैं कभी कभी ऐसे भी अप्लाई कर लेती हूँ। आई रियली लव दिस लुक। नाउ मैं एक ऐसा फ्लफी आई शेडो ब्रश ले रही हूँ और मैं पहले अपने बेस मेकअप के लिए ये रेड वाला शेड जो है उसे चूज़ कर रही हूँ। सो इसे मैं अच्छे तरह से अपने आईज़ पे ब्लेंड कर लूँगी। सो फर्स्ट कोट यही वाला रहेगा बेस के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं लेने वाली हूँ एक और फ्लफी ब्रश एंड उससे मैं जो है ये ब्लू वाला शेड ले रही हूँ। सो ये वाला शेड ले कर मैं फिर से अप्लाई करूँगी एंड से अच्छे से जो है ब्लेंड करना। नाउ थर्ड मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और उससे मैं ये ग्लिटरी ब्लू वाला शेड चूज कर रही हूँ एंड देन मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। आपको ये सारे शेड जो है इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग इज द की। सो आपको वो ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट मैं ले रही हूँ NY का काजल एंड इसे मैं एज आ आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे काजल ही ज़्यादा पसंद है एज आ आई लाइनर अप्लाई करने के लिए। सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एज आ आई लाइनर। नाउ नेक्स्ट मैं आई लैश कलर की मदद से लैशेज जो है उसको कर्ल कर लूँगी अच्छे तरह से ताकि मेरा मस्कारा जो है वो अच्छे से अप्लाई कर सकूँ। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक आई लैशेज को बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज करता है। सो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए देन डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। एंड इसे मैं अपने लोअर लैशेज पे भी अप्लाई कर लूँगी। नाउ मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का ये हाइलाइटर पैलेट एंड मैं थोड़ा सा एक ईयर बिट्स पे इसको लूँगी और अपने आईज कॉर्नर पे इस हाइलाइटर को अप्लाई कर दूँगी। ये बहुत ही एक अच्छा लुक देता है, पूरा लुक एकदम चेंज कर देता है। उसके बाद मैं इसी हाइलाइटर को अपने चिक बोन्स पे एंड अपने नोज़ पे जो भी हाइलाइटर पॉइंट होते हैं अपने फेस पे वहाँ पे अच्छे तरह से इसको अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
नाउ लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन का ये लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 210। सो सबसे पहले मैं इस शेड को जो है अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। मैं दो लिपस्टिक एक साथ लगाना प्रेफर करती हूँ। सो सबसे पहला वाला जो लिपस्टिक होगा वो ये वाला होगा। नाउ नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लॉरियल रूथ सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 121। नाउ इसे अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर को अपनी उंगलियों पे लेके इस लिपस्टिक के ऊपर जो है हल्के से टैप कर लूँगी। इससे इसका लुक जो है थोड़ा सा मैट हो जाता है एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लुक देता है लिपस्टिक। एंड दैट्स ऑल, आपका लुक जो है वो रेडी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंड या सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपको खरीदना है तो। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।